हैप्पी किड्स क्लिनिक बच्चों का अस्पताल एवं टीकाकरण केंद्र डॉक्टर रोहित जैन मानस भवन के पास दमोह। प्यासी ज्वेलर्स शोरूम सभी प्रकार के सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। पता टंडन बिल्डिंग सराफा बाजार दमोह। राज्य सरकार के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में खनन माफियाओं पर जहां कार्रवाई जारी है वहीं दमोह जिले में भी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों की मशीनरी जब्त की है, साथ ही हजारों की मुरम भी पकड़ी है। दरअसल तिंदुआ पंचायत भवन के निर्माण के लिए अवैध रूप से मुरम को खोदा जा रहा था। इसी दौरान मौके पर बटियागढ़ थाना प्रभारी बीरेन बहादुर सिंह पहुंचे और कार्रवाई करते हुए जेसीबी मशीन सहित मुरम से भरे ट्रैक्टर जब्त किए। बटियागढ़ क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। यहां अवैध उत्खनन की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्खनन में लगी मशीनों सहित 3 आरोपियों को पकड़ा है। मामले के बारे में बटियागढ़ थाना प्रभारी बीरेन बहादुर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। मध्य प्रदेश शासन के द्वारा एक अवैध उत्खनन और उत्खनन के बाद परिवहन, इसको लेकर एक मुहिम चलाई जा रही है मध्य प्रदेश स्तर पर। उसी मुहिम के तहत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल एक रेड कार्रवाई की गई। आलमपुर के पास कुछ मुरम का उत्खनन किया जा रहा था, एक जेसीबी मशीन 3 ट्रैक्टर उसमें लिप्त थे। मुखबिर की सूचना पे उनको जब्त किया गया है। कहाँ पर ये अवैध खनन करके ले जाया जा रहा था सर? ग्राम तिरुआ ग्राम पंचायत का कोई रोड बन रहा है तो उसके लिए जांच की जा रही है। संबंधित विभाग को भी उसमें सूचना दी गई है। कितने वाहन सर जब्त किए गए इसमें? बताए ना, 3 ट्रैक्टर और एक जेसीबी। मॉडर्न हब ब्रांडेड हॉजरी शॉप महिला पुरुष एवं बच्चों के लिए, जहां पर आपको मिलेंगे नाइट सूट, लोअर, टी शर्ट, अंडर गारमेंट्स, डबल गाउन सभी ब्रांड के उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें कैलाश भंडार के बाजू से सिनेमा रोड दमोह। महिंद्रा गाड़ियों के पार्ट्स व सर्विस के लिए अधिकृत कमल मोटर्स बड़ी देवी मंदिर रोड ओवरब्रिज के पास दमोह, एक बार सेवा का अवसर दें। फोन 3099611109। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत सभी व्याधियों के उत्कृष्ट दवाइयां कम मूल्य पर प्राप्त करें। रोटरी क्लब द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, ATM के पास सरकारी अस्पताल चौक दमोह।